नेक्स्ट टॉपिक वी हैव ओस्टेड एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ओस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या था? एक्चुअली इसने एक्सपेरिमेंटल एविडेंस दिया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इनिशियली स्टार्टिंग में क्या माना जाता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं है, बट और ये जो एक्सपेरिमेंट था ये एक्सीडेंटल एक्सपेरिमेंट था, मतलब अचानक से हो गया था एक्सीडेंट, बाय एक्सीडेंटली कुछ ऐसा हुआ कि जिससे ये प्रूव हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में रिलेशन होता है। इसने क्या किया, इसने कंपस नीडल ली, ठीक है, और इसने एक रूल फॉलो किया था, स्नो रूल। सिंपलेस्ट बता रहा हूं आपको, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा। स्नो रूल में क्या है, सपोज एक कंडक्टर है एक्स वाई, सपोज करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और कंडक्टर को है आपने अबव द नीडल प्लेस कर दिया है, ठीक है, कंडक्टर को अबव द नीडल प्लेस कर दिया। सपोज आपकी ये नीडल है, ये अभी करंट पास नहीं करते, पहले नीडल बना लेते हैं। सपोज ये नीडल है, ठीक है, तो ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कंडक्टर हो गया, करंट अभी शो नहीं कर रहे, कंडक्टर, कंडक्टर अबाव नीडल, जो कंडक्टर है वो अबव द नीडल है। इसमें डायरेक्शन ले लेते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। स्नो रूल क्या रहता है कि अगर साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ, तो जो कंपास का डिफ्लेक्शन होगा वो टुवर्ड्स वेस्ट होगा। मीनिंग ये अगर मैं इसमें से करंट पास करूं अपवर्ड डायरेक्शन में, तो जो इसका हमें डिफ्लेक्शन मिलेगा, इसका डिफ्लेक्शन कंपस का, वो हमें टुवर्ड्स वेस्ट मिलेगा, इस टाइप से। ठीक है, करंट किस डायरेक्शन में, ये साउथ, ये नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ, तो डिफ्लेक्शन कहाँ होगा, टुवर्ड्स वेस्ट, ठीक है, तो ये आपका ईस्ट है, तो ये क्या होगा, वेस्ट, डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट। अगर मैं करंट की डायरेक्शन चेंज करता हूं, सपोज इसे डाउनवर्ड कर देता हूं, तो इसका डिफ्लेक्शन अपोजिट हो जाएगा, मीनिंग ऐसे, सपोज मैंने डायरेक्शन चेंज कर ली, अब जो इसका डिफ्लेक्शन इस तरफ हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कंडक्टर जो है अबाउ द नीडल है, नीडल के ऊपर पड़ा है कंडक्टर, तो ये स्नो रूल वैलिड है। साउथ टू नॉर्थ डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट, कंडक्टर अबाउ द नीडल, मीनिंग नीचे नीडल है ऊपर कंडक्टर है। अगर आप रिवर्स करोगे तो ये डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। सपोज आप नीडल को ऊपर प्लेस कर देते हो कंडक्टर के, ठीक है, तो इसकी डिफ्लेक्शन इस तरफ नहीं होगी, अब वो इस तरफ होगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाते, बस ये स्नो रूल याद रखना, साउथ टू नॉर्थ करंट फ्लो करेगा तो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स वेस्ट होगा। और ओस्टेड ही था जिसने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशन को फाइंड आउट किया था, और ये एक्सपेरिमेंटल एक्सीडेंटली हुआ था, उसे पता ही नहीं था, अचानक से करंट पास हुआ, उसने एक्सीडेंटली उसको इसके रिजल्ट्स मिल गए। बाद में इसी पे बेसिस एक एम्पियर स्विमिंग रूल आया था, स्विमिंग रूल, एम्पियर स्विमिंग रूल। इसका क्या कहना था, कह रहे मान लो जो ऑब्जर्वर है वो इमेजिन करे कि वो जो स्विमिंग कर रहा है ना वो अलोंग द कंडक्टर कर रहा है, कंडक्टर है तो ऑब्जर्वर इस तरफ स्विमिंग कर रहा है,
ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ करंट भी ये है, इस तरफ स्विमिंग कर रहा है, फेसिंग द मैग्नेटिक नीडल, मैग्नेटिक नीडल को फेस करते हुए। देन नॉर्थ पोल ऑफ नीडल विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स हिज लेफ्ट हैंड, अगर ऐसे स्विमिंग कर रहा है तो उसका लेफ्ट हैंड ये होगा, कह रहे जो डिफ्लेक्शन होगा वो इस तरफ होगा। बस यही एम्पियर स्विमिंग रूल था। बेसिकली ओस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एक रिलेशन फाइंड आउट किया था। नेक्स्ट टॉपिक देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, ये फाइंड आउट करने में। अब ओस्टेड ने इतना तो बता दिया कि जब हम किसी कंडक्टर से करंट पास करते हैं, ठीक है, कंडक्टिंग वायर जो होती है, तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर है, हमने इसमें से ये कंडक्टर में से करंट पास किया, तो इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। ये ओस्टेड की डिस्कवरी थी, ठीक है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड को हम ट्रेस कैसे करते हैं, बाय द मीन्स ऑफ आयरन फिलिंग, आयरन फिलिंग डाल के सराउंडिंग्स में और सपोर्ट में बोर्ड लगा देते हैं। सपोज बताता हूं मैं आपको आगे, तो उससे हम उसकी जो फील्ड लाइंस बना के अपना आयरन फिलिंग्स को यूज करके फील्ड लाइंस बना लेते हैं और उसको हम ट्रेस कर लेते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर कैसे ट्रेसिंग करते हैं। सपोज आपने कार्डबोर्ड लिया, ये कार्डबोर्ड ले लिया, इस कार्डबोर्ड के सेंटर में होल करके ये कंडक्टर ले लिया, ठीक है। इसके साथ यहां एक एमीटर लगा दिया करंट के अमाउंट को देखने के लिए, ये एक बैटरी लगा दिया, ठीक है, बैटरी से करंट पास हो गया, कंडक्टर में से करंट पास हो गया, एमीटर ये पॉजिटिव नेगेटिव, और करंट के अमाउंट को चेंज करने के लिए यहां एक रियोस्टेट लगा दिया RH, और यहां एक की दे दी ऑन ऑफ करने के लिए, ये आपका करंट आ गया। अब एमीटर क्यों लगाया, करंट के अमाउंट को चेक करने के लिए। रियोस्टेट क्यों लगाया, करंट की वैल्यू को अप डाउन करने के लिए, बिकॉज बैटरी की वोल्टेज तो चेंज नहीं हो सकती, वो तो फिक्स है। सपोज आप 9 वोल्ट ले रहे हो तो 9 वोल्ट ही रहेगा, तो इसकी वोल्टेज को अप डाउन करके करंट के अमाउंट को चेंज कौन करेगा, रियोस्टेट की हेल्प से चेंज करेंगे। अब इसमें हमने क्या किया, ये आयरन स्प्रिंकल स्प्रेड कर दिए, ठीक है, ये आयरन स्प्रिंकल्स है, आयरन फिलिंग्स। इसमें से बैटरी को ऑन किया, की को ऑन किया, करंट फ्लो करना इसमें स्टार्ट कर गया। सपोज ये कंडक्टर एक्स वाई है, फ्लो करना स्टार्ट कर गया, तो क्या हुआ, हमने जैसे करंट फ्लो करना स्टार्ट हुआ, ये पार्टिकल्स की मूवमेंट स्टार्ट हो गई आयरन फिलिंग्स की, तो हमने क्या किया, इसको टैप किया ऐसे। ऑन टैपिंग हमें क्या दिखा, ये मैं डायग्राम रीड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ये करंट फ्लो कर रहा था, आगे वाला नहीं बना रहा मैं, ये छोड़ रखा है। तो ऑन टैपिंग इसने ना कुछ रिंग्स बना लिए इस टाइप से, ऐसे बना स्टार्ट कर दिया इसमें। तो ये क्या था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो इलेक्ट्रिसिटी के पास करने से कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये इन फील्ड लाइंस ने शो कर दिया। अब इसमें हमने जब कंपास प्लेस की ना, कंपास हमने प्लेस की, सपोज आपने कंपास प्लेस की, ठीक है, तो इस कंपास के ऊपर ये नॉर्थ बन रहा था और ये साउथ, ऐसे बना लो नॉर्थ साउथ, तो नॉर्थ से लाइन स्टार्ट हुई, साउथ में एंटर हो गई, तो इस तरह का इसका स्ट्रक्चर बन गया। हुआ क्या, इसके अंदर डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए जो हमने कंपास नीडल को प्लेस किया था, तो इसमें कंपास ने जो हमें डायरेक्शन दी वो कुछ इस टाइप से दी ऐसी, तो ये डायरेक्शन कौन सी बनी, इसने डायरेक्शन दी एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज हमें डायरेक्शन मिल गया। सपोज अगर ये कहता है कि अगर हम इस करंट को रिवर्स कर दें, इस करंट को हम रिवर्स कर दें, इसी डायग्राम में देखते हैं, हमने करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, बैटरी को रिवर्स लगा दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है, तो क्या चेंज आएगा इसके अंदर, जो पहले एंटी क्लॉकवाइज बन रही थी रिंग्स, अब वो कैसे बनेगी क्लॉकवाइज, ऐसे,
क्लॉकवाइज, ठीक है। तो फील्ड लाइन कैसे बनेंगे हम, क्लॉकवाइज। बेसिकली ओरस्टेड ने जो बताया था ना कि व्हेन वी पास करंट थ्रू ए कंडक्टर इट विल प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, इसको हमने वेरीफाई कैसे कर लिया, आयरन स्प्रिंकल से। उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म कर ली, कंपास प्लेस किया हमने, कंपास ने हमें डायरेक्शन दे दी। जब डायरेक्शन ऊपर थी तो एंटी क्लॉकवाइज फील्ड लाइंस बन रही थी, डायरेक्शन जब हमने रिवर्स की तो कैसा उसका पैटर्न बनने लग गया, क्लॉकवाइज। इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने कौन सा रूल यूज किया, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल क्या है, सपोज कंडक्टर आपके हाथ में, इमेजिन स्ट्रेट कंडक्टर इन योर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मीनिंग यहां टिप से ऊपर तक करंट जा रहा है तो थंब इस डायरेक्शन में। देन डायरेक्शन ऑफ कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ये कर्लिंग ऑफ फिंगर्स, ऐसे कर्लिंग ऑफ फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये देखो ऊपर की तरफ था कंडक्टर, पहले केस में करंट ऊपर जा रहा था, ऐसे रिंग्स बन रहे थे, फील्ड लाइंस बतानी है तो कर्ल करो, ऐसे होल्ड किया कर्ल किया, कैसे बनी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो राइट हैंड थंब रूल यूज किया इसके अंदर हम। अब मैग्नेटिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करते हैं बी से, कैपिटल बी से। क्या क्या फैक्टर है इसके, फर्स्ट फैक्टर है इसका करंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ यू इंक्रीज द करंट इन द कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड फैक्टर डिस्टेंस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये कंडक्टर था, ये आपके रिंग्स बन रहे थे, फ्रॉम द सेंटर ये वाला। तो अगर कंपास आप यहां प्लेस करते हो, एक कंपास आपने यहां प्लेस की, एक कंपास आपने यहां प्लेस की, तो सबसे ज्यादा जो डिफ्लेक्शन देगा वो ये वाला कंपास देगा, बिकॉज आर मिनिमम है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम। तो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड कहां होगा, टूवर्ड सेंटर। जैसे जैसे आप सेंटर से मूव करेंगे, मीनिंग इस पॉइंट पर आ गए, वीक हो गया मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे और वीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ हम डिफ्लेक्शन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपास की डिफ्लेक्शन से। सबसे स्ट्रॉन्ग डिफ्लेक्शन जो होगा वो यहां होगा, सबसे वीक यहां पर, अगर एक रिंग और भी है तो उससे भी वीक यहां पर। तो डिस्टेंस जैसे जैसे इंक्रीज करोगे फ्रॉम द सेंटर, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस। तो ये दो इसके फैक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता है, वी मेजर इन एम्पियर्स, ठीक है, और डिस्टेंस जो होगा दैट इज इन मीटर, और मैग्नेटिक फील्ड हम मेजर करते हैं टेस्ला में, कैपिटल टी। निकोला टेस्ला इसके साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको एक्सप्लेन किया था मैग्नेटिक फील्ड को, तो उन्हीं के सरनेम पे हमने जो है टेस्ला एक यूनिट ले ली। इससे स्मॉलर यूनिट भी होती है गॉस, GAUSS, कैपिटल जी, और 1 टेस्ला इक्वल टू होता है 10^4 गॉस, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, बाकी इतना कोई पूछेगा नहीं आपसे। नेक्स्ट देखो, अभी हमने स्ट्रेट कंडक्टर लिया था जिसने करंट को कैरी किया था, अब स्ट्रेट कंडक्टर की जगह हम सर्कुलर रिंग ले लेते हैं, करंट कैरिंग सर्कुलर रिंग को या क्वाइल को, एक ही बात है, सेम प्रोसीजर है। आपको करना क्या है, ये आपने एक रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, रिंग बना लिया आपने, उस रिंग का जो सेंटर है आपने इस रिंग, ये रिंग ऐसे लिया, ठीक है, ये बैक साइड से निकाल लेते हैं ऐसे, मीनिंग आपने क्या किया, हाफ इस कार्डबोर्ड पे दो होल किए, आधा रिंग कार्डबोर्ड के ऊपर रहे, आधा रिंग कार्डबोर्ड के नीचे, ये रहा, सच दैट जो इसका सेंटर है ओ, वो कार्डबोर्ड के ऊपर लाई करना चाहिए, मीनिंग आधा रिंग कार्डबोर्ड के ऊपर है, आधा रिंग कार्डबोर्ड के नीचे है, और ये वर्टिकली प्लेस्ड है, ये अगर कार्डबोर्ड है ना ऐसे, तो आधा रिंग ऊपर आधा रिंग नीचे, ठीक है,
और इसका जो सेंटर है वो इस कार्डबोर्ड के ऊपर लाई करेगा। अब जब हम इससे करंट पास करते हैं, यहाँ सर्किट कंप्लीट कर लें, करंट पास करते हैं, सपोज आप बैटरी कनेक्ट करते हो इससे, ये आपने बैटरी कनेक्ट कर ली, बैटरी हो गई, ये आपका रियोस्टेट हो गया, किसके लिए, करंट के अमाउंट को चेंज करने के लिए, और ये आपका की हो गया, ठीक है, की, रियोस्टेट, बैटरी। तो करंट पास किया, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, ये इस तरफ गया, ऐसे गया, ये करंट ऐसे आ गया, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉयल पास, करंट इज पास थ्रू दिस कॉयल, आयरन फिलिंग जो है इस पे स्प्रिंकल कर दो, इस बोर्ड के ऊपर सारी तरफ ऐसे आपने स्प्रेड कर दी, ठीक है, स्प्रिंकल्ड ऑन द कार्डबोर्ड। अब जैसे ही हम इसमें से करंट पास करेंगे, दीज आयरन फिलिंग्स अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न सिमिलर टू, किस तरह का पैटर्न होगा, उसका जो पैटर्न होगा कुछ इस टाइप से होगा, ऐसे ये ऐसे बनाना शुरू कर देंगे, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह का पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया। अब इस पैटर्न को हम साइड में दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं, यहां पर इसे मैं रब कर देता हूं। ये पैटर्न क्या है, बना कैसे है, ये देखते हैं। आधा रिंग नीचे, आधा रिंग ऊपर की तरफ, तो जो पैटर्न है ये ऐसा बना है कुछ, ये सेंटर हो, सपोज दिस पॉइंट इज ए एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज ओ, उसमें जो सेंटर से जो लाइंस हैं वो स्ट्रेट पास हुई हैं, सीधी बन गई बिल्कुल, ठीक है। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, कंपास नीडल यूज करेंगे। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन थी वो ऐसी थी, ऊपर गया वापस आया इधर आ गया, ये करंट की डायरेक्शन थी। अब जो ए पॉइंट पे, यहां देखो ये फर्स्ट रिंग, दो रिंग, ये नियरली सर्कुलर बन रही है, तो आप ए पॉइंट पे स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन कर सकते हो, स्ट्रेट कंडक्टर ऐसे, तो डायरेक्शन क्या होगी इस तरह से, तो इसकी डायरेक्शन क्या बनी, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, ऐसे मूव करना स्टार्ट कर गया। अब इस पॉइंट पे अगर स्ट्रेट कंडक्टर इमेजिन करते हो बी पे, तो करंट कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन ऐसे फ्लो करोगे तो ये कैसे बनेगा आपका, इसको ऐसे मूव करोगे तो इसकी डायरेक्शन क्या होगी, दूसरी तरफ हो गई, मीनिंग ऐसे, तो ये यहां से आया अपवर्ड, ये यहां से आया अपवर्ड, ये अपवर्ड, ये अपवर्ड, मीनिंग ऐसे, ठीक है। तो इसके अंदर जो हमने डायरेक्शन ली, दोनों तरफ हमने डायरेक्शन बना ली, इस तरफ इस ऐसे और इस तरफ इस साइड, तो ऊपर की तरफ करंट था तो एंटी क्लॉकवाइज, नीचे की तरफ करंट था तो क्लॉकवाइज, तो ये इधर आके ऊपर मूव कर गई, ये इधर आके ऊपर मूव कर गई। अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इस फील्ड पैटर्न से हमें मिला क्या है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो नियर द कॉयल, मीनिंग ये कॉयल है, नियर द कॉयल मीनिंग ये पॉइंट्स, नियर द कॉयल कैसी है ये, सर्कुलर एंड कंसेंट्रिक, जैसे एक दो मैंने सर्कुलर दिखाया, उसके बाद देखो सर्कुलर ब्रेक होते आ रहे हैं, ये लाइंस की जो बेंडनेस है वो डिक्रीज होती जा रही है, ऐसे ऐसे थी पहले, ऐसे जैसे जैसे हम टुवर्ड सेंटर जा रहे हैं ये ऐसे खुलती जा रही है यहाँ मैक्सिमम, ठीक है, सेम में से इसके साथ हो रहा है ऐसे,
तो सेंटर पे आके दोनों क्या हो रही है, एक दूसरे से मिक्स हो रही है। तो सेंटर पे फील्ड क्या है, मैक्सिमम बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस तरफ इंक्रीज कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इसका इस तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो नियर द कॉइल मीनिंग ए पॉइंट और बी पॉइंट पे फील्ड लाइंस कैसी हैं, सर्कुलर प्लस कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक ठीक है, नियर द कॉइल मीनिंग ए और बी पॉइंट्स के ऊपर। क्योंकि यहां पर ए और बी पॉइंट पे देखो ऑलमोस्ट स्ट्रेट कंडक्टर की तरह है, तो हमने राइट हैंड थंब रूल लगाया और फील्ड लाइंस की डायरेक्शन फाइंड आउट कर ली। तो नियर द कॉइल फील्ड लाइंस क्या है, अपना नियर द कॉइल फील्ड लाइंस आर सर्कुलर एंड कॉन्सेंट्रिक। अब देखते हैं सेंटर ऑफ द कॉइल पे, सेंटर ऑफ द कॉइल पे क्या फील्ड लाइंस जो है वो स्ट्रेट है। देखो एक दो यहां स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं, सेंटर ऑफ कॉइल मीनिंग एट या नियर टू ओ पॉइंट फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट, स्ट्रेट और आप इसको क्या कह सकते हो, स्ट्रेट एंड पैरेलल ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ कॉइल कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्म, क्योंकि जब फील्ड लाइन स्ट्रेट और पैरेलल होती है तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होती है या मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा कैसा आता है, यूनिफॉर्म आता है। तो सेंटर ऑफ कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म। अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, वो क्या होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल, मीनिंग इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कॉइल। अब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ टुवर्ड सेंटर क्या हो रही है, इंक्रीज, यहां से भी इंक्रीज हो रही है, यहां से भी इंक्रीज। तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज मैक्सिमम, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम। अब हमें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तो इसके लिए हम रूल यूज करते हैं क्लोक रूल। क्लोक रूल क्या कहता है, आपके पास जैसे एक कॉइल है ठीक है, ये इसमें से करंट पास कर रहा है, आप इसके फेस की तरफ देखो, जैसे मैं सामने से देख रहा हूं करंट कैसे फ्लो कर रहा है इसके अंदर, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। क्लॉक अगर मैं बनाऊं तो ये क्लॉकवाइज ऐसे क्लॉकवाइज हो गया, तो क्लॉकवाइज है तो कौन सा पोल होता है, साउथ पोल। ये देखो एस को रोटेट करो क्लॉकवाइज, साउथ पोल हो गया। और अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है मीनिंग रिवर्स है ऐसे, ऐसे तो इसमें कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल। ऐसे देखो ठीक है, नॉर्थ पोल। तो क्लॉक रूल क्या कहता है, लुक एट द फेस ऑफ द कॉइल, इफ द करंट अराउंड दैट फेस इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन द फेस इज साउथ पोल ठीक है। और अगर हम करंट जो है फेस के अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, देन फेस इज नॉर्थ पोल ठीक है। अगर मैं एक रिंग को सामने से देख रहा हूं उसमें क्लॉकवाइज जा रहा है तो मेरे लिए वो क्या है, साउथ पोल। बट जो रिंग के बैक साइड से देख रहा है उसके लिए तो करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो उसके लिए वो कौन सा पोल होगा, नॉर्थ पोल। तो मेरे लिए इसके अलावा फ्रंट फेस क्या है, साउथ पोल, बैक फेस क्या है, नॉर्थ पोल। अब इसके फैक्टर्स देख लेते हैं, फैक्टर्स में वही पुराने फैक्टर्स हैं। फर्स्ट फैक्टर करंट, जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेकेंड फैक्टर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, ये जो सर्कल बन रहे हैं इसका जो डिस्टेंस होगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल, किसका रेडियस, सर्कल का रेडियस, ये वाला ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कॉइल। अब रेडियस रेडियस ऑफ द कॉइल मीनिंग, हाँ ये सर्कल नहीं लेने, रेडियस मीनिंग ये वाला आर, उसमें जो आर था वो ध्यान रखना, ये इस पॉइंट से ये जो कई सारे सर्कल बन रहे थे ना ये वाले, तो ये भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर है, आर इंक्रीज कर रहा है, बट इसमें रेडियस की बात कर रहे हैं, दिस इज रेडियस, इस कॉइल का रेडियस। जितना बड़ा सर्कल होगा उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, जितना छोटा सर्कल बनाओगे आप ठीक है, ये सर्कल जिस वायर से सर्कल बना है
जितना छोटा सर्कल बनाओगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। और नेक्स्ट होता है एक फैक्टर और भी है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। अब ये एक टर्न है, सपोज आपने कई सारे टर्न ले लिए, जैसे ये एक टर्न है, ठीक है, ये आपने दो ले लिए, तीन, चार, पांच, जितने नंबर ऑफ टर्न्स लोगे उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जितना छोटा रखोगे ये रेडियस उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो बेसिकली ये बना क्या, कंबाइन करो तो एन आई बाय आर, ठीक है, माइंड इट, आर इज द रेडियस ऑफ द रिंग, और इस केस में आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, दोनों अलग बातें, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अपना करंट कैरिंग सोलेनोइड का, और टेम्परेरी और परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।